हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro का, जो मुझे फर्स्ट सेल में भी नहीं मिला, सेकंड सेल में भी नहीं मिला और थर्ड सेल में भी नहीं। लेकिन मैं भी अरा हुआ था कि मुझे लेना ही है, तो फाइनली मुझे ये मिल चुका है और आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग। ये Redmi 4 का सॉरी Redmi Note 5 Pro का 64GB 4GB वाला वेरिएंट है। चलिए करके देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। आप सबको तो वैसे मालूम ही है कि इसके अंदर पैकेज के अंदर क्या क्या कंटेन कर रहा है, क्या क्या है, आपको मालूम है Redmi के फीचर्स वगैरह सब कुछ। तो मैं बस रिव्यू करने जा रहा हूँ इसका ओवरऑल पैकेज मेरे अपने तरफ से। ये अच्छी तरह से बॉक्स पैक्ड है। इसको मैंने 18 अप्रैल को ऑर्डर किया था और आज ये मेरे पास है 20 अप्रैल को। बहुत ही फास्ट डिलीवरी हुआ है। वही सेम चीज़ आपको मालूम है, इंडियाज़ नंबर 1 Redmi Note 5 Pro। एकदम वाइट सा बॉक्स है इसका, कलर वेरिएंट्स दिए हुए हैं इसके ऊपर, लिखा है Redmi Note 5 Pro। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो इसका स्क्रीन साइज, कैमरा, स्नैपड्रैगन 636, 4000 mAh, मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग, ब्लैक कलर में मुझे मिल गया है, 4GB 64GB का वेरिएंट है। साफ साफ यहाँ पर लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज़ ब्रोकन। सील तो ब्रोकन नहीं है, एकदम फुल एंड फाइनल पैक्ड है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। प्लास्टिक रैप हटा दिया हमने, पीछे सील्ड है और एक ऊपर में सील्ड है। चलिए खोल देते हैं इसको। हो गया सील ब्रेक। एप्पल की तरह ऊपर में इसका कवर और कुछ नहीं है इसके अंदर। सॉफ्ट बैक कवर रख देते हैं साइड में। ये आ गया हमारा फोन। देख सकते हैं काफ़ी लंबा फ़ोन है। अब तक मैं Redmi 4 यूज़ कर रहा था तो काफ़ी छोटा था, उसका भी बैक टू बैक मैं आपको दे दूँगा। थोड़े से पेपर वर्क्स, चार्जर, वही सेम चार्जर है इसका। आउटपुट यहाँ पर दिया है 5V 2A, नॉर्मल सा चार्जर है, मेड इन इंडिया। और बस और तो कुछ खास है नहीं। टाइप सी पोर्ट तो हमें यहाँ पर मिला नहीं है, तो नॉर्मल सा USB टाइप सी सिम इजेक्टर और बस, देयर इज नथिंग एल्स इन द बॉक्स। रख देते हैं वापस और आते हैं फ़ोन पर। काफ़ी लंबा फ़ोन है। तो आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं Redmi 4 के साथ। ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करते जा रहा हूँ इसको। अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया फ़ोन है और जैसा कि मुझे बहुत बड़ा फ़ोन पसंद नहीं है, इसीलिए ये फ़ोन मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत ही पसंद आया और इसी वजह से मैंने आज ये Redmi 4 को ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro
हर तरह से ये बहुत ही बड़ा है। आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर मैं इस तरह से पकड़ूं तो ये काफ़ी लंबा है और चौड़ा भी है, लेकिन चौड़ा उतना ख़ास नहीं जितना कि ये लंबा है। बैक टू बैक अगर कंपेयर करें तो इस तरह से है, देख सकते हैं इसका हाइट अनडाउटेडली अच्छा ही है, लेकिन इसका कैमरा बम्प जो है ये काफ़ी बड़ा है, ऊंचा सा है। कोई बात नहीं, इसके साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, सेम टू सेम ही है, लेकिन ये भी मेरे पास ब्लैक ही था और इसके साथ मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। खैर, इसको हम देंगे अभी फर्स्ट बूट इसका और देखेंगे क्या है आखिर इसके अंदर, जो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। होल्ड करने में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एक ही हाथ में इसको मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा है इसीलिए एक हाथ से तो आप किसी भी हालत में यूज़ नहीं कर सकते। इसको जल्दी से कर लेते हैं बूटिंग, देख लेते हैं इसका फर्स्ट बूट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं MIUI 9 आ चुका है, इसको जल्दी से बूट कर ले। टच सही में बहुत ही बढ़िया है इसका टच। अभी तक मैंने इसका ऊपर का जो कवर है इसको नहीं निकाला है, फिलहाल तो मैं इसको अपने पर्सनल वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं इसका स्क्रीन साइज़ 6 इंच का स्क्रीन साइज़ है, लेकिन होल्ड करने पर आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा है। टर्म्स एंड कंडीशन सारे मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। फ़ोन इंसर्ट करने बोल रहा है सिम कार्ड, जो मैं बाद में कर लूँगा। गूगल अकाउंट चलिए इसको मैं बाद में साइन इन कर लूँगा, सबको मैं स्किप कर देता हूँ। फिंगरप्रिंट वगैरह चलिए सेट कर लेते हैं। ओके, पहले मुझे एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है, सो पैटर्न मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलिए 1 2 3 4 मैंने डाल दिया, 1 2 3 4। अच्छा, अभी कर लेते इसको सेट। फिंगरप्रिंट मैंने Redmi 4 में यूज़ किया है, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है फिंगरप्रिंट का, Redmi का हमेशा से ही बहुत ही उम्दा रहा है। खैर, फिलहाल तो मैं सब कुछ यस करके इसको सेटअप कर कंप्लीट दिखा रहा है मुझे। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 7 नोगट ही मिलेगा, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ये काफ़ी बड़ा लेंस इसका नज़र आ रहा है। साइड में यहाँ पर फ्लैश है, यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऐप्स लोड हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी फिनिश सही में बहुत अच्छी है, जो Redmi 4 है उससे भी ये थिन नज़र आ रहा है, उससे भी काफ़ी पतला सा नज़र आ रहा है फील करने में। हालांकि ये Redmi 4 छोटा सा स्क्रीन है 5 इंच का, इसके स्क्रीन के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन होल्ड करने में सही में बहुत मज़ा आ रहा है इसको। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि नहीं है,
अब तक तो मैं रेडमी 4 ही यूज़ करते आ रहा हूँ। अनडाउटेडली बहुत ही मस्त फ़ोन था ये मेरा, इतना छोटा सा पावरफुल, इसको मैंने अभी अपग्रेड भी कर लिया है। आप देख सकते हो अबाउट फ़ोन में अगर हम चले, आप 7.1.2 देख सकते हैं, और साथ में एकदम लेटेस्ट वर्जन जो है MI का 9.5.4.0 एकदम लेटेस्ट वर्जन है। इसको तो मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। खैर अभी इसको देख लेते हैं, सेटअप कंप्लीट हो चुका है, लीजिए ये तैयार है। आप स्क्रीन साइज़ भी देख सकते हो, इसका रैपर मैं निकालूंगा, अभी मैं फ़िलहाल रैपर इसका नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे फ्रंट से मतलब ग्लास वगैरह लगा के इसको प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगा। फ़िलहाल तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे इसका टच। कैमरा क्वालिटी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है मुझे। खैर ये बाकी सारी चीज़ें जो है ये मैं बाद में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसके जो राउंडेड कॉर्नर्स है बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी स्लीक है, मतलब रेडमी 4 से भी ज़्यादा स्लीक है ये। बहुत मज़ा आया मुझे इसको लेकर। खैर इसको, इसका टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है, बस टच करने से। तुरंत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, इसमें आपको नीचे कोई कैपेसिटिव बटन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जो भी बटन्स है इसके जो आपके ऑन स्क्रीन है देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, जहाँ पर मैं आपको और वैसे भी मैं आपको क्या डिटेल दूँ इसके बारे में, तो पूरी इंडिया को मालूम है काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, और मेरे ख्याल से ये मेरा फेवरेट कलर है जो मुझे मिल गया है, और मैं अभी इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो ज़रूर शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।